मुंगेर बिहार, आज से 2 महीने पहले 58 साल के संजीव कुमार को कुछ लोग घर में घुसकर पूरी तरह पीटते हैं। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि उन लोगों ने संजीव कुमार के जरिए सहारा में पैसे इन्वेस्ट किए थे और रिटर्न्स ना मिलने की वजह से उन्होंने संजीव कुमार को और उसकी बेटी को पूरी तरह से पीटा। एंड दिस इज अनबिलीवेबल। इस वीडियो में हम सहारा स्कैम के डार्क साइड के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। यूं तो इस स्कैम के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं, बहुत सारी वीडियोस भी YouTube पर अवेलेबल है, पर कोई भी सहारा स्कैम के इस साइड के बारे में बात नहीं करता। ये वीडियो हमारी पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने बात किया कि कैसे सहारा ने हम पब्लिक के पैसों से एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, और ये उस वीडियो का पार्ट 2 है जहाँ हम 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, सेबी और सहारा की लड़ाई किस बात की है। नंबर 2, इतना बड़ा स्कैम करने के बाद भी सुब्रत रॉय जेल से बाहर कैसे हैं। एंड नंबर 3, सहारा के इन्वेस्टर्स का पैसा कब मिलेगा। पर पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर पहले उसे देखिए, क्योंकि उसके बिना शायद आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए। और अगर आप पार्ट 2 इसलिए देखने आए हैं क्योंकि आपको पार्ट 1 अच्छा लगा, तो आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा कि मार्केट में कैसे सैचुरेशन आने की वजह से सहारा को पैसों की कमी हो जाती है और सहारा अपने IPO के लिए अप्लाई करती है, और बिल्कुल यहीं से सहारा और सेबी की लड़ाई शुरू हुई। सहारा ने अपना IPO लाने के लिए DRHP सेबी के पास सबमिट किया। अब जिनको नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि DRHP इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इस DRHP को देखने के बाद सेबी को समझ में आया कि सहारा इज प्लानिंग समथिंग बिगर, अ बिगर स्कैम इन इंडिया। सेबी ने देखा कि सहारा की कंपनीज में 2 से 2.5 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट किया है, वो भी पूरे 24,000 करोड़, और ये सब सेबी के परमिशन के बिना हुआ था, और इसलिए सेबी ने तुरंत सहारा से इस बारे में क्लेरिफिकेशन मांगी। अब अगर सहारा चाहती तो शायद यहाँ पर उनका बिजनेस बच सकता था, पर सहारा ने यहाँ एक गलती कर दी जिसकी सजा वो पिछले 11 सालों से भुगत रहे हैं। सहारा ने सेबी के इस ऑर्डर को नहीं माना और उल्टा इलाहाबाद हाई कोर्ट में सेबी के इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। पर कहते हैं ना, व्हेन यू हैव मनी एंड पावर इन योर हैंड यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग अराउंड यू, और सहारा ने उस वक्त यही किया। सहारा को लगा कि बाकी सारे सिस्टम की तरह वो सेबी को और सुप्रीम कोर्ट को भी खरीद लेंगे, पर शायद उन्हें ये नहीं पता था कि जो सेबी NSE के 8 लाख करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम अकेले हैंडल करती है, उसे खरीदने के लिए दुनिया जहान की दौलत कम पड़ जाएगी। फिर सहारा धीरे धीरे खुद के बनाए हुए चक्रव्यूह में खुद ही फंसता चला गया। आप ही सोचो कि जिस कंपनी का बिजनेस मॉडल पूरा फ्रॉड है, वो कंपनी जेन्युइन कैसे हो सकती है। आज भी सहारा के विलेजेस में बेटियां कुंवारी बैठी है क्योंकि उसके बाप ने उसके शादी के पैसे सहारा में डिपॉजिट कराए थे। आज भी वो 5 लोगों की फैमिली बाइक में घूम रही है क्योंकि उस फैमिली ने सोचा था कि बच्चे बड़े होने तक कार के पैसे सहारा में इन्वेस्ट कर देते हैं। सहारा के उस एजेंट ने खुद को आयरन रॉड से फांसी लगा ली क्योंकि जिनका पैसा उसने सहारा में इन्वेस्ट करवाया था, वो लोग उससे पैसे मांग रहे थे। एंड नॉट ओनली दिस, आज भी जब आप झारखंड, यूपी, बिहार की गलियों में जाओगे तो आपको ऐसे हजारों किस्से सुनने को मिलेंगे। एंड दिस इज डार्क, एक्सट्रीमली डार्क। इस इंसान ने अकेले 3 करोड़ लोगों को बर्बाद कर दिया, और इन 3 करोड़ लोगों में से सबसे ज्यादा नुकसान उनका हुआ जो सहारा एजेंट की प्रेस्टीजियस जॉब कर रहे थे। कहीं सहारा के फीमेल एजेंट्स को पीटा जा रहा है तो कहीं सहारा एजेंट्स खुद को ऑफिस में ही लॉक कर ले रहे हैं, और झारखंड के रामगढ़ में तो एक सहारा एजेंट का मर्डर तक कर दिया गया। लेकिन मैं और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये केस भी इंडिया के बाकी के 4.7 करोड़ केसेस के साथ कोर्ट के फाइल्स में दब चुका है, एंड इन सब का दोषी इंडिया में खुला घूम रहा है। बट स्टिल आप ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा स्कैम करने के बाद सुब्रत रॉय जेल से बाहर कैसे है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सहारा इन्वेस्टर्स का पैसा उन्हें कब वापस मिलेगा। सुब्रत रॉय को मार्च 2014 में अरेस्ट किया गया था क्योंकि वो अपने केस को लड़ने के लिए कोर्ट नहीं गए थे, लेकिन 2016 में उनकी मां की डेथ हो गई और जिसकी वजह से उन्हें बेल मिली, और तब से सुब्रत रॉय की बेल को एक्सटेंड किया जा रहा है, एंड ओवरऑल सुब्रत रॉय जेल से बाहर है। एंड चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि सहारा इन्वेस्टर्स का पैसा उन्हें कब वापस मिलेगा। ये मैटर थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सियल है, पर जितना हमें डेटा मिला है उसके हिसाब से हम आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को सेबी के पास इन्वेस्टर्स के सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने को कहा था, तब सहारा ने 127 ट्रक भरकर डॉक्यूमेंट सेबी के ऑफिस में पहुंचाए थे, पर उस वक्त फाइल्स का एक और बैच वहां पर पहुंचना था जिन ट्रक्स को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो ट्रक्स ऑफिस आवर्स के बाद पहुंचे थे।
हमें मिली हुई डेटा के अनुसार उस ट्रक में 25% इन्वेस्टर्स का डेटा था। अब अगर आपके डॉक्यूमेंट्स उन 25% में होंगे तो शायद आपके पैसे मिलने में थोड़ी देरी आ सकती है। दूसरी चीज हमें ये भी पता चली है कि सहारा के टोटल 7 कंपनीज थे पर इंक्वायरी बस 2 कंपनीज में हो रही है, बाकी के 5 कंपनीज में कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। अगर बाय चांस आपका पैसा इन बाकी के 5 कंपनीज में इन्वेस्टेड होगा तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है। पर सुब्रत रॉय भी जेल से इसलिए बाहर है क्योंकि उनका कहना है कि वो इन्वेस्टर्स का पेमेंट कर रहे हैं, तो होप रखिए शायद आपके भी पैसे आपको मिल जाएं। एट द एंड कंक्लूजन में मैं यही कहूंगा कि ये हमारी सिस्टम है जिसकी वजह से सुब्रत रॉय, नीरव मोदी एंड विजय माल्या जैसे स्कैमर्स इतना बड़ा स्कैम करने के बाद भी बच जाते हैं। एंड जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका हर एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह होता है जो हमें मोटिवेट करता है ऐसा रिसर्च बेस्ड कंटेंट बनाने के लिए। सो सब्सक्राइब करके जाइएगा।